the stairs. Hello. Hi. Happy birthday, firstly. Thank you so much. Thank you. So, is this the best birthday party you could have had? Everyone's holding their breath. I am. बहुत जोर से पकड़ के रखे हैं भाई. Lovely. Thank you guys. Thank you. अगर मैं नहीं अगर मैं बांद्रा से यहाँ नहीं आता तो कल अटैक हो जाता है. और सर क्या कह रहे हैं, किस तरह की सरप्राइजेस नहीं यार, मैं अपने दोस्त को विश करने आया हूँ बस. मैं इनसे गवाओ नया, उन्होंने कहा दिया आपके बारे में. जग घूमे या थारे जैसा न कोई, जग घूमे आ थारे जैसा ना कोई. मतलब हाय, जग घूमे आ थारे जैसा ना कोई, जग घूमे आ थारे जैसा ना कोई. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सर. इज देयर एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ हम आप सारी बातें आज ही कर लो. कुछ आने वाले करेंगे. बहुत लग रहा है कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है, आप पता नहीं. नहीं बता रहे हैं आपको, बताएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी पठान रिलीज होगी तो बहुत एक्साइटमेंट है. हमने भी काफ़ी वेट किया. हम भी चाहते हैं कि हमारा पहला गाना जल्द रिलीज हो रहा है और आप सुने, आप लोग सब सुने. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. थैंक यू. I have to hold my breath for that. I'm sorry. I'm worried. This is not enough. Nobody's followed the theme. No, my back's completely khali. Come. My back is completely khali. Where show? Come. Okay, now you're allowed. Now I'm allowed. It's not like that. It's not like this, no? Yeah, nice. Nobody's followed the theme. I'm very upset. Like, hello? No, very too many. First of all, I am not going to accept the fact that she's turning 40, because that way it makes me realize my age. So I have told her I am 28, so just do the math. She's not 40, I'm sorry. And सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं उसको 20 साल से जानती हूँ एंड शी हैज़ नॉट चेंज एट ऑल एंड दैट इज़ माई विश फॉर हर दैट शी नेवर एवर चेंजेस. Oh please, of course I have followed the theme. This is my maximum that I can bear. Big boss. मैंने अच्छी 6 साल से देखना छोड़ दिया. पहले देखती थी मैं.
नेहा जी का कुछ यादगार पल बताना चाहोगे जो उनके साथ आप बिताए हो, उनका कोई फेवरेट सॉन्ग है जो आप गुनगुनाना चाहोगे? आप जैसे जानते नहीं हो, हम लोग साथ में एक बैंड में हुआ करते थे, तो वी आई हैव मेनी फॉन्ड मेमोरीज, वी हैव स्टार्टेड आर करियर्स टुगेदर, सो शी इज़ एक्सट्रीमली डियर टू मी एंड आई विश हर द वेरी बेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक करियर एंड लाइफ एंड लॉट ऑफ गुड हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ. एनी सॉन्ग फ्रॉम दीवा? हमने गीत सुनाए, हमने रंग सजाए. यू लुक ब्यूटीफुल. थैंक यू. थैंक यू. सुंदरता का राज. इसका कोई जवाब ही नहीं है. जस्ट वेरी गुड जेनेटिक्स, दैट्स ऑल. आई गिव ऑल एट्रीब्यूट टू माय पेरेंट्स फॉर माय यूथफुल लुक्स. नेहा मेरी बहुत खास दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है जब बिग बॉस से बाहर आए हम. और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब आज उसका बर्थडे, आज मैं फ्लाइट है लंदन में, 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ वापस आज अभी, तो बस मैं विश करके ले आया हूँ ऑब्वियसली. अभी रात को एनी वे मैं इतना वो नहीं. ऑल द वेरी बेस्ट एंड नेहा आई लव यू एंड आई एम सो हैप्पी कि आज उसका बर्थडे है और मैं वापस उसे साथ हूँ. लास्ट टाइम बिग बॉस में थे साथ में और ये टाइम साथ में. हाँ फॉलो कर रहा हूँ, फॉलो कर, ट्वीट मार रहा हूँ. मेरा प्रियंका मेरी फेवरेट. आई लाइक प्रियंका. अर्चना मुझे बहुत पसंद है. साजिद कैसे? आई थिंक दैट ठीक है. मत तुम्हें क्या बोलूँ, पार्टिसिपेशन मुझे लग रहा है कि और हो सकता है. आई थिंक जो बिग बॉस ने सालों को फायर किया कि रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, जो साजिद सिगरेट मारा था गार्डन में, तो दैट ही शुड ऑल्सो बी फायर के रूल्स ब्रेक किया उसने. बट इट वाज अनफेयर कि आप ही उस ये सीजन इतने सारा मतलब रूल्स ही नहीं है, मतलब हमारे सीजन में छोटी चीज़ में हमको डांटते थे, ये सीजन इतना फ्री है, इतना ये, मुझे समझ आ रहा क्या हो रहा है. सर को मिस कर रहा हूँ, अपन ये घर थोड़ा डिफरेंट है मेरा घर से भाई. We'll see, we'll see. अभी कुछ राजीव सर बताया जा रहा है लॉकअप के लिए आप घर के वो बुलाया जा रहा है लॉकअप टू. भाई साहब मैं लॉकअप नहीं कर सकता, ये बहुत एक्सट्रीम है मेरे लिए. आपको क्या लगता है बिग बॉस के घर में लंबी रेस का घोड़ा कौन है? क्या लंबी रेस का घोड़ा कौन है अभी? लंबी रेस का घोड़ा मतलब हॉर्स? लंबी अच्छा चल रहा है राजीव. आई थिंक प्रियंका है. आई थिंक अच्छा चीज है तुमने बोला ना, लंबी कैसे घोड़ा, बहुत झूठ बोल बोला फिर ये जो चीज़ अच्छा लंबी कैसे घोड़ा. आई थिंक प्रियंका, आई थिंक अंकित वांटेड टू गो फास्ट. मुझे मैं सब चाहते थे आगे. अर्चना फर्स्ट शो. सी दैट्स नॉट माय सिचुएशन. जो उसके साथ बाहर हो रहे हैं दैट्स नथिंग टू डू विद मी. आई कैन ओनली स्पीक ऑन हिज गेम एंड द गेम के हिसाब से बोलता हूं. आई थिंक दैट ही शुड थर्क अप मोर. राजीव लॉकअप टू के भी बात चल रही थी, करण भी थे उस सीजन फर्स्ट में, तभी आपको मौका मिले. आपको क्या लगता है वो जेलर बनो में पार्टिसिपेंट बनूं? मतलब ये तो कभी होगा नहीं. क्या लगता है आपको भी जेलर बनना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आई थिंक बिग बॉस इज डिफरेंट प्लेटफॉर्म, लॉकअप इज डिफरेंट प्लेटफॉर्म. इवन आई लव लॉकअप, इट्स अ फैंटास्टिक शो, बट आई डोंट थिंक मेरा बस का. आप अभी किस तरह के प्रोजेक्ट्स को देख रहे? एक शो आ रहे हाउसफुल के लिए आपको अच्छा किया गया. हां हाउसफुल रोहित शेट्टी ने आपको. और भाई मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या कुछ. एनीवे हैप्पी बर्थडे नेहा. Thank you. Thank you.